फिकस लेकोर एक आयुर्वेदिक मेडिसिन है, आयुर्वेदिक ट्री है, हम आज उसी के बारे में डिटेल में बात करेंगे। यूजेस क्या है, साइड इफेक्ट क्या है एंड कुछ एफएक्यूज जो हम कवर करेंगे, जानेंगे कि किस चीज़ों में सेफ है या नहीं। जैसे कि क्या हम कोई अगर डाइटरी सप्लीमेंट ले रहे हैं तो उसके साथ हम ये मेडिसिन कंटिन्यू कर सकते हैं, क्या प्रेगनेंसी है तो ये मेडिसिन सेफ है या नहीं, या फिर कुछ एलोपैथ मेडिसिन है जिसके साथ कॉन्ट्राइंडिकेशन ना हो, कोई एग्रावेशन ना हो, हम ये ले सकते हैं कि नहीं। देन कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन है जिसमें एग्रावेशन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, तो हम उसके साथ ये मेडिसिन कंटिन्यू कर सकते हैं कि नहीं। तो दोस्तों इसी के बारे में आज डिटेल में जानेंगे। मैं हूँ डॉक्टर संजीव सिंह, आप देख रहे हो हेल्थ केयर एंड होम रेमेडीज़, जहाँ आपको मिलेंगी हेल्थ केयर एंड होम रेमेडीज़ की पूरी जानकारी। हम बात करेंगे फिकस लेकोर के बारे में, जो एक जैसा मैंने बताया एक आयुर्वेदिक मेडिसिन है, आयुर्वेदिक ट्री से बेसिकली ये इसका जो प्लांट किंगडम, ये एक प्लांट किंगडम की मेडिसिन है, प्लांट से इवॉल्व हुई मेडिसिन है। इसका हिंदी में नाम बोले तो पकड़। ये ज़्यादातर यूज़ की जाती है दोस्तों ब्लीडिंग डिसऑर्डर के लिए, ज़्यादातर नोज़ ब्लीडिंग, रेक्टल ब्लीडिंग, वजाइनल ब्लीडिंग, उसके लिए आप ये 100% यूज़ कर सकते हो। देन कुछ वोंड जैसे कट गया हो, घाव हो या सूख नहीं रहा हो, उस केसेस में आप इसका यूज़ कर सकते हो। माउथ अल्सर, मुंह में कहीं छाले हो गए हों तो इसका आप यूज़ कर सकते हो। डायरिया की शिकायत है, लूज़ मोशन कंट्रोल नहीं हो रहा है, 2-4 बार, 10 बार, 50 बार होता है, कुछ बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाए तो 50 times भी लूज़ मोशन या डायरिया की शिकायत रहती है, पतला लैटरिंग होता है, तो उस केसेस में आप इसका यूज़ कर सकते हो फिकस लेकोर का। देन अगर फीमेल में लिकोरिया की शिकायत है, दैट इज़ वाइट डिस्चार्ज, सफ़ेद पानी की शिकायत है, तो डेफिनेटली आप इसको यूज़ कर सकते हो। अब इसका यूज़ कैसा करना है, प्रॉपर पत्ते नहीं यूज़ करना होता, क्रूड फॉर्म में मेडिसिन मिलती है दोस्तों, प्रॉपर क्रूड फॉर्म में होती है, क्रूड फॉर्म इन द सेंस प्रॉपर बारीक पाउडर जिसे हम केमिकली रिफाइंड करके इसका पाउडर तैयार करते हैं। और जैसे वुंड है, कटे हुए हैं कहीं पे, घाव नहीं सूख रहे हैं, तो आप उसके ऊपर छिड़क दीजिए, आप उसके ऊपर स्प्रिंकल कर दीजिए, वो घाव सूख जाएगा। देन प्रॉपर लुकोरिया के लिए तो प्रॉपर इसकी मेडिसिन होती हैं, बनाया जाता है, केमिकली फॉर्म्ड किया जाता है ताकि लुकोरिया के केसेस में ठीक हो जाए, लुकोरिया के केसेस इससे ठीक हो जाए। मेडिसिन के कुछ कोर्स होते हैं, जैसे 3 months लुकोरिया के केसेस हैं तो डेफिनेटली 3 months का कोर्स होता है, 3 months के कोर्स करने के बाद डेफिनेटली ठीक हो जाता है। देन कुछ इसके जैसे आप इसको एक प्रॉपर एब्सेस अगर कहीं फोड़ा है, फुंसी है, स्किन डिसऑर्डर है, आप इसको एज अ एब्सेस के तौर पे सूखने के लिए यूज़ कर सकते हो। देन फटीक, अगर वीकनेस लग रहा है एंड वीकनेस के साथ साथ में कुछ करने की इच्छा नहीं हो रही है, एक तरह शरीर सुस्त लग रहा है, उस केसेस में आप इसका यूज़ कर सकते हो। और जैसे हमने डिस्कस किया अल्सर, वुंड्स, वजाइनल इन्फेक्शन, एक्सेसिव ब्लीडिंग, देन कुछ यूट्राइन डिसऑर्डर है, उस केसेस में भी आप इसका यूज़ कर सकते हो। देन फैट है, ओबिसिटी है, फैट कम करने के लिए आप इसका यूज़ कर सकते हो, डेफिनेटली बहुत अच्छा मेडिसिन निकल के आती है सामने। देन नेज़ल ब्लीडिंग, ब्लीडिंग कोई भी हो, जैसे मैंने नेज़ल मैंने कवर नहीं किया था, ब्लीडिंग कोई भी हो डेफिनेटली आपको अच्छा रिलीफ मिलेगा। देन कुछ एफएक्यूज़ है, मैं डिस्कस करना बहुत ज़रूरी समझता हूँ ताकि मेरे व्यूअर्स हैं, मेरे पेशेंट हैं, उनको क्लियर कट आइडिया मिल जाए। तो फर्स्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट एफएक्यू, जैसे कैन दिस बी यूज वाइल टेकिंग होम्योपैथिक मेडिसिन, यस डेफिनेटली दिस प्रोडक्ट डज नॉट रिएक्ट विथ होम्योपैथिक मेडिसिन, दैट इज़ यानी ये आप मेडिसिन होम्योपैथिक मेडिसिन के साथ कंटिन्यू कर सकते हो, इसका कोई साइड इफेक्ट, कोई एग्रावेशन नहीं देखा जा सकता होम्योपैथिक मेडिसिन के साथ में। फॉर एग्जाम्पल आप होम्योपैथिक मेडिसिन ले रहे हो, दैट इज़ गॉल ब्लैडर स्टोन के लिए, तो उसके साथ भी आप ये मेडिसिन कंटिन्यू कर सकते हो, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा। देन सेकेंड क्वेश्चन था, कैन दिस मेडिसिन बी कंटिन्यू वाइल टेकिंग सप्लीमेंट्स लाइक मल्टीविटामिन टैबलेट्स और ओमेगा 3 फैटी एसिड, क्या अगर मैं मल्टीविटामिन टैबलेट्स ले रहा हूँ या फिर कोई ओमेगा 3 फैटी एसिड ले रहा हूँ, या मैं जिम जाता हूँ तो मैं कुछ प्रोटीन सप्लीमेंट्स, प्रोटीन पाउडर वगैरह ले रहा हूँ, तो क्या मैं मेडिसिन कंटिन्यू कर सकता हूँ? डेफिनेटली यस, आप ये मेडिसिन ले सकते हो, द प्रोडक्ट गोज़ वेल विद सेम
यानी अगर आप कोई भी मेडिसिन ले रहे हो तो आप इसका ये मेडिसिन का यूज़ कर सकते हो। अलॉन्ग विद दैट कोई भी मल्टीविटामिन ले रहे हो तो ये मेडिसिन आप इसके साथ कंटिन्यू कर सकते हो। देन सेम एज एलोपैथ मेडिसिन लाइक विथ दैट इज वेस्टर्न मेडिसिन, क्या मैं कोई एलोपैथ मेडिसिन ले रहा हूँ, फॉर एग्जांपल एलर्जी के लिए आप यूज़ कर रहे हो, एलर्जिक राइनाइटिस है, देन कफ कोल्ड एलर्जी है, तो क्या ये मेडिसिन मैं कंटिन्यू कर सकता हूँ? डेफिनेटली कर सकते हो, सेफ़ है, बिल्कुल सेफ़ है मेडिसिन। तो दोस्तों आशा करता हूँ वीडियोस अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसे ही हेल्थ रिलेटेड वीडियोस मैं आपके लिए लाता रहूँ। कुछ भी डाउट है आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, बताएं क्या दिक्कत है, डेफिनेटली आपको उसका सोल्यूशन मिलेगा। थैंक यू।